हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और वीडियो देख के आप समझ गए होंगे आज का ट्रिप होने वाला है अजमेर का। अजमेर का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। ट्रांसपोर्ट देखें चाहे रेलवे देखें, आप दोनों ही तरह से वहां जा सकते हैं इजीली। और जयपुर से 2 घंटे लगते हैं और दिल्ली से भी 7 to 8 hours लगते हैं। अजमेर में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जिससे नरेली का मंदिर, साईं बाबा, पृथ्वीराज स्मारक और यहाँ की लेक। यहाँ का सबसे जो ज़्यादा फेमस है वो है मस्जिद। और यहीं के पास में है, अजमेर के पास में मात्र 12 किलोमीटर दूर पुष्कर, जहाँ पे है ब्रह्मा जी का मंदिर। मॉर्निंग के 9 बजे हुए हैं और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है नरेली जैन टेंपल से, जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो आप समझेंगे क्यों ये फेमस है। सबसे पहली बात है, ये है इसका मेन गेट और यहाँ से एंट्री ले सकते हैं आप। मॉर्निंग टू इवनिंग ये ओपन रहता है और हम लोग जैसे ही पहुँचे, बहुत ही बड़ा गेट है और लगता है कि कोई शानदार जगह आए हैं। बहुत ही आप देख सकते हैं, शानदार है। और एक चीज़ मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आप टॉप में कुछ गुम्बद जैसे छोटे छोटे देख रहे हैं, जब मैं आपको वीडियो में बाद में इसको दिखाऊंगा, ये पूरे बड़े बड़े मंदिर हैं। लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी पे है, इसलिए छोटे छोटे एकदम घंटी जैसे, गुम्बद जैसे दिखाई दे रहे हैं। जब मैं ऊपर पहुंच के आपको दिखाऊंगा, तब आपको रियल में समझ में आएगा कितना बड़ा है ये। तो चलिए एंट्री लेते हैं इसकी और देखते हैं कैसा है अंदर से नरेली जैन टेम्पल। हाय फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अजमेर और अजमेर में ये जैन टेंपल नरेली का और हम अभी जाने वाले हैं अंदर देखने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है टेंपल। इस टेंपल में एंट्री बिल्कुल फ्री है और वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन विंटर का सीजन बेस्ट है क्योंकि आपको हल्की हल्की धूप भी मिलेगी। और मॉर्निंग के टाइम में विजिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा रोशनी एकदम टेंपल पर पड़ता है और टेंपल का व्यू बहुत ही शानदार दिखाई देता है इस वजह से। तो आप जा सकते हैं और यहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, आपको किसी भी तरह की भीड़ भाड़ या कुछ तरह की परेशानी नहीं होगी। टेंपल में कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ऊपर से इस तरह का शानदार नज़ारा दिखेगा और अंदर जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है उसका व्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कैसी लगते हैं। हम थोड़ा कैंपस में मंदिर के अंदर आ गए हैं और मॉर्निंग का टाइम है। आप देख सकते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन में है, बिल्कुल धूप आ रहा है और बहुत ही साफ़ सुथरा एकदम कैंपस है। बहुत ही अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और सुबह क्योंकि हम लोग आए हैं अक्टूबर में और बहुत ही अच्छा एकदम ठंडक हो रही है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से टेम्पल कैसा है। मंदिर के प्रमाइसिस में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जैन धर्म से संबंधित इस तरह के छोटी छोटी प्रतिमाएं, छोटे छोटे स्टैचू, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जैन धर्म के बारे में और किस तरह से साधना की जाए, किस तरह से वहां पर मेडिटेशन किया जाता है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कर सकते हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूजन की विधि, काल चक्र, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ये है देव पूजा और यहाँ पे बहुत सारी, जिस तरह से हम बोलते हैं झांकियाँ, आपने देखी होंगी अगर आपने मेरा मथुरा वाला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा आई बटन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की झांकियाँ हैं और इनका जो टाइमिंग है झांकियों के चलने का, वो संडे को नाइट में या फिर ना आफ्टर इवनिंग का लिए है। और जब आप इनको देख सकते हैं, अभी तो ये बंद है क्योंकि हम मॉर्निंग में गए थे। इस नरेली जैन टेंपल में दूसरी मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है शांति। यहाँ पे बहुत सारे सिटिंग प्लेसेज हैं और बहुत सारे शांत एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप आराम से जाके बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं
और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर गार्डन भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। हम मंदिर के बिल्कुल मेन एंट्रेंस में आ चुके हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है और बहुत ही अच्छा ये बना रखा है। देखो थोड़ा सा मैं आपको लुक दिखाता हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है स्टोन की और रेड स्टोन लग रहा है ये, और बहुत ही प्यारा मेंटेन किया गया है चारों तरफ गार्डन। और ऊपर जा रहे हैं, देखा देते हैं आपको ऊपर से व्यू कैसा लगता है। तो इतना बड़ा टेम्पल है फिर भी इतना क्लीन, इतने अच्छे से मेंटेन किया है, काबिले तारीफ। आप देखिए यहाँ से व्यू दिख रहा है आपको, कितना शानदार व्यू आ रहा है। मंदिर की भव्यता का अंदाजा आपको ये गेट देखने से ही हो जाएगा। पूरा गोल्डन गेट है ये और इतना विशाल है, और इस पर काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है, काफ़ी सारे चिन्ह इस पर निर्मित किए गए हैं। और चलिए अब अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह की गौतम बुद्ध की प्रतिमा वहाँ रखी गई है। और जैसे ही आप मेन हॉल में अंदर जाते हैं, वहाँ पर गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा आपको दिखाई देती है और बहुत सारी दीवारों पर बहुत सारी चित्रकारी की गई है और बहुत ही बारीकी से पत्थरों का काम किया गया है। और जैन मंदिर की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, चाहे वो इतने विशाल हैं लेकिन वहाँ पर क्लीनिंग, साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा रहती है और फालतू का कुछ भी चीज़ नहीं, जिस तरह से प्रसाद होता है या फिर दान करने के लिए कुछ रहता है, इस तरह से कुछ भी नहीं रहता वहाँ पर। अब मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि आप एकदम सही जगह आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितना विशाल यहाँ का हॉल है यहाँ पर। और आप चलते हैं बाहर से इसका व्यू देखने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एकदम देखो पर कारीगरी की गई है, बहुत प्यारी एकदम। और यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा दिखा। नरेली मंदिर का एक और पार्ट है जिसको बोल सकते हैं आप पार्ट टू, जो कि है पूरा हिल पे पहाड़ के ऊपर। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने एरो से वो लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश की है। ये जो आपको छोटी छोटी घंटियाँ या गुम्बद से दिखाई दे रही हैं, ये बड़े बड़े टेम्पल हैं। और अब हम बढ़ दिए उन टेम्पलों को देखने की ओर, और जिसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहाड़ पे। तो आपको गाड़ी या कुछ व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, आप वॉक भी कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर से गाड़ी ली क्योंकि ये काफ़ी ऊँचाई पर है, और वहाँ से आपको जो व्यू दिखेगा पूरा सिटी का और पूरे टेम्पल का, तो उसका जो आनंद है वो इस मंदिर को अद्भुत बनाता है और बाकी सारे मंदिरों से स्पेशल बनाता है। और फिर हम चल दिए गाड़ी से टॉप व्यू देखने के लिए, और ये है वो मेन रास्ता जिसके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे रुकने की व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए जो दूर दूर से मेडिटेशन करने के लिए आते हैं और दान धर्म करने के लिए यहाँ पे आते हैं जैन मंदिर में। और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा जो जैन टेंपल के आसपास हो रहा है, ये इसी का पार्ट है। बहुत सारी और भी चीज़ें बन रही हैं जो इस मंदिर को और भी ख़ास बना देंगी आने वाले टाइम में। और आप चलिए मेरे साथ और देखिए ऊपर से कैसा दिखता है जैन टेंपल का व्यू और बाकी कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पागोड़ा, जो मेडिटेशन का मैंने वीडियो बनाया था पागोड़ा मुंबई का, वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी देखिए। ना टॉप व्यू, हम टॉप पे आ चुके हैं, टॉप टॉप टॉप। और यहाँ से देखिए आप जो मंदिर का एक अलग ही व्यू, एक नज़ारा दिख रहा है, पूरा अजमेर से है, दिख रहा है हमें यहाँ से पूरा अजमेर आप देख सकते। और ये छतरियाँ जो छोटी छोटी दिख रही थी आपको, छोटी छोटी बिल्कुल, ये एकदम बड़े बड़े टेम्पल हैं और दूर से ऐसे लगते हैं जैसे एकदम दिया रख दिया हो छोटा सा। और यहाँ पर ऊपर से बड़ा, और यहाँ पर भी काफ़ी देखने लायक है, ये बहुत सारे टेम्पल एक जैसे भी हैं। और अगर आप वहाँ देखें वहाँ पर बड़े टेम्पल भी हैं, और अभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेडिटेशन टाइप से कुछ बन रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं
लगता है ये बहुत ही शानदार, मतलब अजमेर का, मैं तो बोल रहा हूँ राजस्थान का सबसे बड़ा जैन टेम्पल होने वाला है और काफ़ी अच्छा देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ टेम्पल है और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक टेम्पल चल रहा है। और अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, बट आई थिंक दैट देयर विल बी मैनी टेम्पल इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्कर, साईं बाबा मंदिर, लेक व्यू और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और टिल देन, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।